बात करते हैं दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का जो भंडाफोड़ हुआ, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, जिसके कनेक्शन सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ते नजर आ रहे थे, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी को कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 5,600 करोड़ की कोकीन पकड़े जाने में आरोपी तुषार गोयल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल से पूछताछ में पता चला कि वो यूथ कांग्रेस में आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। बस इसके बाद ही बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने इस बहाने सीधे राहुल गांधी को ही घेर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, एक ओर जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ रुपए की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। शाह ने लिखा है कि कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। बीजेपी का आरोप है कि तुषार गोयल के ड्रग सरगना होने की जानकारी कांग्रेस नेताओं को पहले से ही थी। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जैतपुर में युवानी डॉक्टर जावेद की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जैतपुर में एक डॉक्टर का कत्ल हुआ और कातिल मरीज बनकर आए और डॉक्टर को गोली मार दी। कत्ल का आरोपी नाबालिग है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जैतपुर में यूनानी डॉक्टर जावेद का मर्डर हुआ और कातिल नाबालिग निकले। मरीज बनकर आए इन आरोपियों ने पहले अपनी चोट की ड्रेसिंग कराई और फिर डॉक्टर से मिलने की बात कहकर कैबिन में घुसे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही गोली मारकर नाबालिग फरार हो गए। देखो, पारिवारिक संबंध में और उसमें कब कौन से विवाद खड़ा हो जाए, तो उसको तो आप खड़े कर सकते, ना मैं कर सकता। तो ये जो पता चल रहा है, पारिवारिक विवाद है जो इस अंजाम तक पहुंचा है। और सुनने में आ रहा है कि वो दो दिन से रैंकिंग कर रहे थे, दो दिन से वो घूम रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो जानकारी है पूरी की पूरी, क्योंकि इतना कोई है नहीं कि कोई कैश होगा डॉक्टर के पास या कुछ तरह की बात होगी। डॉक्टर साहब बाहर से आते थे और यहाँ बैठते थे, या अगर यहाँ की भी कोई आपसी दुश्मनी होती तो हमें पता चलती ना। जिस डॉक्टर को गोली मारी गई उनका नाम जावेद है और हत्या के आरोपी नाबालिग है। आरोपी ने कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, कर दिया 2024 में मर्डर। यूनानी डॉक्टर जावेद की हत्या के पीछे पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कातिलों में कानून का कोई खौफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करेंगे, जहां पर 20 सड़क पर खुलेआम फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से एक शख्स के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आपको दिखाते हैं एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए। सुबह होते ही मैनपुरी की सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बदमाशों ने जिम ट्रेनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। गोली सर के ऊपर से निकलकर दीवार में लगी, इस वजह से यह आदमी बाल बाल बच गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों के बीच बहस हो रही है। और ये बहस इतनी बढ़ती है कि जिम के लोग सड़क पर खड़े लड़कों को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वो लड़का बंदूक निकाल लेता है और गोलियां दागने लगता है। सभी लोग जान बचाकर घर की तरफ भागते हैं, लेकिन इस अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स घायल हो जाता है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद जिम करने को लेकर हुआ था और बहस इतनी बड़ी कि नौबत मरने मारने तक की आ गई। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी भी आतंक भी बरकरार है और पकड़ा भी नहीं गया है। जो लंगड़ा भेड़िया है वो अभी भी लोगों की दहशत की वजह बना हुआ है, लेकिन ये ठान लिया गया है कि जब तक इस भेड़िए को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस ऑपरेशन को रोका भी नहीं जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। लंगड़ा भेड़िया कहाँ है, उसे जमीन निगल गई या आसमान, आखिर कहाँ छिपा है भेड़ियों का सरदार। बहराइच का बच्चा बच्चा आज यही सवाल पूछ रहा है कि लंगड़ा भेड़िया अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका। भेड़ियों का ये सरदार ऐसे ही सरदार नहीं है, ये इतना शातिर है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये पिंजरा लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने के लिए लगाया गया था, लेकिन पिंजरे में खूंखार तेंदुआ फंस गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि भेड़ियों का ये सरदार कितना बड़ा शिकारी है, कितना शातिर है, कितने जाल लगाने के बाद भी वो अब तक किसी के हाथ नहीं आया। जब तक बहराइच का ये खूनी शिकारी नहीं पकड़ लिया जाता, तब तक बहराइच में शांति कैसे हो सकती है? कैसे वो लोग चैन से सो सकते हैं जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं? एक तरफ भेड़िया हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ बाघ और तेंदुआ अलग दहशत फैलाए हुए हैं। अब जरा सोचिए कि जिन गांवों में जंगल के सबसे बड़े शिकारी आकर लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, वो लोग भला कैसे सो सकते हैं? ये दहशत बहराइच से 121 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में भी फैली है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में आदमखोर तेंदुआ कोहराम मचाए हुए हैं। 1 अक्टूबर को आदमखोर तेंदुए ने एक किसान को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन शिकार करने के बाद से ही तेंदुआ ऐसे गायब है कि अब तक किसी को दिखा ही नहीं और ना ही कहीं उसकी मूवमेंट पाई गई है। गांव वाले पुलिस फोर्स के साथ मिलकर तेंदुए को जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, लेकिन आदमखोर का कहीं पता नहीं लग पाया है। जंगली जानवरों के हमलों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जंगल का ये शिकारी गांवों और रिहायशी इलाकों की तरफ से क्यों घुस रहे हैं? ऐसा जंगल में क्या हुआ है जो ठीक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।